स्वीट कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए चलिए देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया है और कितनी क्वांटिटी में लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। आधा कप बेसन, 2 चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर, चावल का आटा, कुछ वेजिटेबल लिए जैसे कि हरा धनिया पुदीना कटा हुआ, आधा कप के करीब पत्ता गोभी कटी हुई और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। इसमें कुछ मसाले जाएंगे जैसे कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून जाएगी खटाई यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर और 1/4 टीस्पून जाएगा वाइट पेपर पाउडर यानी कि सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। दोस्तों अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो इस रेसिपी में जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पानी लेके थोड़ा थोड़ा और बाइंड कर लेंगे सब चीज़ों को। पानी ज़्यादा नहीं डालना हमें, बस उतना ही पानी डालना है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाएं, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाएं। बस उतना ही, थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके हम पानी डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक आपको हल्का लगता है तो आप बढ़ा सकते हैं, मिर्चें भी अगर आपको कम लगती हैं तो वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मुनासिब डाला था मैंने। यहाँ पर दोस्तों मैं इंडक्शन का यूज़ कर रही हूँ जिसकी मैंने हीट हाई पे रख रखी है। आप गैस चूल्हे के वो पहले हाई पर मतलब हाई फ्लेम पर आप इसे गर्म कर लीजिएगा ऑयल को, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर ये सारे पकौड़े फ्राई करेगा। ये बनकर रेडी हैं स्वीट कॉर्न पकौड़ा, जिसको मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही मज़ेदार बने हैं दोस्तों, और आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही क्विक एंड ईजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉर्न दिख रहे हैं क्योंकि हमने जो बेसन लिया है वो थोड़ा कम लिया। अगर आप चाहते हैं कि फुली कोट हो तो आप बेसन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, यानी कि आधे कप से थोड़े से ज़्यादा ले सकते हैं ताकि सारे ये कोट हो जाए। यहाँ पर मैंने हल्का हल्के इसलिए छोड़ा था ताकि कॉर्न अलग से लगे और कॉर्न पकौड़ा अलग से दिखे, इसलिए देखिए मैंने कम ही बेसन लिया था।